हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो इंग्लिश के ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा था वो टेंसेज का चल रहा था, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको भी पता होगा क्या होता है हिंदी में, किस प्रकार से इसके सेंटेंसेस होते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसमें हमें पता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें भविष्य में कोई कार्य चल रहा होगा, कोई भी कार्य भविष्य में प्रोग्रेसिव स्टेज में होगा, यानी कि जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, मैं जयपुर जा रहा हूंगा, राधा नाच रही होगी, सीता खाना बना रही होगी, माँ चाय बना रही होगी, पापा ऑफिस से घर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई भी कार्य इन फ्यूचर कैसा होता है, हम एक अनुमान लगाते हैं, गैस करते हैं कि वो कार्य कैसा होगा, रनिंग कंडीशन में होगा, एक चालू कंडीशन में होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसको आज हम देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है ना, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। इत्यादि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। ये उसके बाद में यहां पर इस टेंस में हम फ्यूचर इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इसमें जो आती है वो आती है, एक तो आती है शैल बी और दूसरी आती है विल बी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, शैल थी और विल थी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, बी और लग जाएगा इसके अंदर, शैल के अंदर भी बी और विल के अंदर भी बी लग जाएगा। तो ये शैल भी किसके लिए, शैल वहां पर थी कौन से सब्जेक्ट के काम में आई थी, शैल वहां पर आई थी आई और बी के साथ में, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगी थी, विल लगी थी। तो फ्यूचर टेंस के अंदर जितने भी ये जो वर्ब होगी शैल वाली वो आई और बी के साथ में लगेगी, और विल वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाकी सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में यूज होगी। तो यहां पर भी किसके साथ में होगी, आई और बी के साथ में, आई तथा बी के साथ। शैल भी कब होगा और विल भी कब होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम मैन वर्ब की, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें काम आएगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी ऐसे टेंसेस जिनके अंदर कंटिन्यूअस शब्द आ रहा है, कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है, वहां पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है। तो यहां पर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल भी और विल भी आती है, शैल भी आई और बी के साथ में, विल भी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में। ऐसे ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो मैन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म यूज होती है इसमें, तो मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या लगाते हैं, हम आईएनजी लगाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके चारों तरह के जो सेंटेंसेस है हमारे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इनको हम देखते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल सेंटेंस में इसका फॉर्मूला रहेगा वही, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है
एक तो शैल बी और विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। उसके बाद क्या आएगी आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर बाद में जो भी अदर एडवर्ब वगैरह है वो यूज करेंगे और उसके बाद में फुल स्टॉप लगा करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है सिंपल सेंटेंस का पैटर्न क्लियर होता है यहाँ पे। और अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो है नेगेटिव सेंटेंस का, इसमें पैटर्न क्या रहेगा नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, वही हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी या तो शैल या फिर विल, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा, शैल नॉट या विल नॉट, शैल नॉट या फिर विल नॉट। उसके बाद में क्या लगेगा बी, उसके बाद में लगेगा बी, और उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद में जो बाकी अदर एडवर्ब वगैरह है वो यूज करेंगे। और इस प्रकार से ये हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया। कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में क्या था, सिंपल सेंटेंस में ये था कि शैल बी और विल बी का यूज हमने किया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो शैल नॉट बी हो जाएगा या फिर विल नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं हम तीसरा सेंटेंस जो हमारा है इंट्रोगेटिव का, प्रश्नवाचक जो वाक्य है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न में अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं उनमें हमने देखा कि यदि कोई डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो सबसे पहले हम उस डब्ल्यूएच वर्ड को लिखते हैं। ठीक है, नहीं आता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं, और फिर हम शुरुआत किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, शैल बी या विल बी है। उसके बाद में हमारा इसमें जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, यहां पर या तो शैल आएगा या फिर क्या आएगा विल आएगा, उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा बी, बी कहां चले जाएगा बाद में चला जाएगा सब्जेक्ट के, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा आईएनजी लग जाएगा, फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर लास्ट में जो अदर में है और लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया। सबसे पहले कोई डब्ल्यूएच वर्ड है तो वो लिखेंगे, नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे यानी शैल या विल से करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे, और शैल और विल में से कोई एक आएगा अकेला आएगा, और जो बी आएगा वो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर अदर जो एडवर्ब वगैरह बचे वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथे तरह का जो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका जो पैटर्न क्या रहेगा, वही रहेगा सेम रहेगा, सेम रहेगा जैसा इंट्रोगेटिव का इस पैटर्न था, सेम ऐसा का ऐसा ही पैटर्न इसका भी रहेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, अंतर क्या होगा कि यहाँ पर शैल के साथ में नॉट लग जाएगा या विल होगा तो विल के साथ में नॉट लग जाएगा। जैसे आई और बी में से हुआ तो शैल नॉट या वी नॉट हो जाएगा, और यदि उसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा विल नॉट हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसके इन दोनों के साथ में क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा, बाकी सारा का सारा जो पैटर्न है वो उसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यदि कोई डब्ल्यू एच वर्ड है तो हम वो डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे सबसे पहले, और वो नहीं है तो हम लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे शैल नॉट या फिर क्या लिखेंगे विल नॉट, है ना। ये जिस प्रकार से हमने नेगेटिव वाला बनाया था ना, शैल नॉट या फिर विल नॉट, इसको हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहां पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं या तो शैल नॉट या फिर अथवा में या फिर क्या आएगा विल नॉट। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या है शैल नॉट या फिर विल नॉट, उसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा बी आएगा, उसके बाद में मैन वर्ब की
फर्स्ट पार्ट में आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर अदर, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये पैटर्न हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। अब यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं, कोई सभी आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए इसमें। एग्जाम्पल की मैं कल जयपुर जा रहा हूं, या फिर मैं हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, या फिर पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, या फिर राधा खाना बना रही होगी, या फिर माँ चाय बना रही होगी। ठीक है, जैसे हम घर जा रहे हैं तो हमें इमेजिन कर रहे होते हैं, कल्पना कर रहे होते हैं, यार इस टाइम पे तो माँ का चाय का टाइम हो गया और माँ चाय बना रही होगी। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे माँ चाय बना रही होगी, माँ चाय बना रही होगी। नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव हो जाएगा कि माँ चाय नहीं बना रही होगी, इसमें क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा, प्रश्नवाचक कैसे बनेगा, प्रश्नवाचक बनेगा क्या माँ चाय बना रही होगी, क्या माँ चाय बना रही होगी। उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या माँ चाय नहीं बना रही होगी, क्या माँ चाय नहीं बना रही होगी। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर इसको हम बना के देखते हैं। देखिए हमारा जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, मदर, क्या है, मदर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब माँ कैसा है, आई और बी के अलावा सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा था आई और बी के साथ में शैल बी का यूज करेंगे, और बाकी अगर कोई सा सब्जेक्ट आता तो उसके साथ में विल बी का यूज हम करेंगे। तो यहां पर किसका यूज करेंगे हम, विल बी, मदर विल बी। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में अब जो इंग्लिश चल रही है उसमें शैल की जगह बिल्कुल ही प्रिफर कर दिया गया है, या बिल्कुल ही सही मान लिया गया है, लेकिन हमें ग्रामर लिखने के हिसाब से या फिर जो एग्जाम के हिसाब से हमको शैल और विल का तो यूज करना ही है, हमें पता होना चाहिए इसके यूज के बारे में। तो मदर विल बी, उसके बाद में क्या है, मैन वर्ब क्या है, बनाना, ठीक है ना, चाय बना रही होगी, तो बनाना, तो चाय बनाने को क्या बोलते हैं, मेकिंग, ठीक है, या फिर इसमें हम ले सकते हैं प्रिपेयरिंग, मेकिंग या प्रिपेयरिंग। मदर विल बी मेकिंग टी, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, टी, या फिर प्रिपेयरिंग टी, मेकिंग लिख दो, या फिर इसमें क्या लिखते हैं, प्रिपेयरिंग, पी आई पी ए आर आई एन जी, प्रिपेयरिंग टी। इन दोनों में से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मदर विल बी मेकिंग टी या मदर विल बी प्रिपेयरिंग टी, माँ चाय बना रही होगी। उसके बाद इसका नेगेटिव ले लो, जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो नेगेटिव में कि इसमें जो है हम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, या फिर वे कल बाजार नहीं जा रहे होंगे, वे कल बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, दे, सब्जेक्ट कौन है, दे, उसके साथ में फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, शैल नॉट या विल नॉट में से क्या आएगा, विल नॉट, दे विल नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा। उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है यहां पर जाना, तो जाने में क्या बोलते हैं, गो, तो उसमें क्या लग जाएगा, गोइंग, दे विल नॉट बी गोइंग। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बाजार की बात कर रही है, तो बाजार क्या है यहाँ पर, बाजार यहाँ पर प्लेस है, और प्लेस क्या होती है, एडवर्ब होती है, तो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को छोड़कर क्या लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे,
तो दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। उसके बाद में क्या है कल, ये भी क्या है आपकी एडवर्ब है टाइम वाली, तो मार्केट टुमारो। और ये क्या होगा फ्यूचर हो गया, तो दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट टुमारो, कि वे कल बाजार नहीं जा रहे होंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो क्या बोलेगा, क्या वे कल बाजार जा रहे होंगे, क्या वे कल बाजार जा रहे होंगे, या फिर क्या कल मैं बाजार जा रहा हूंगा, ठीक है ना। तो हम इसको जैसे क्या मैं कल बाजार जा रहा हूंगा, जा रहा हूंगा, ठीक है, क्या मैं कल बाजार जा रहा हूंगा, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसको बनाएंगे इंटरप्रेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या हमारा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड है क्या इसके अंदर, क्या मैं कल बाजार जा रहा हूंगा, बीच में क्या, बीच के सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, इत्यादि कोई वर्ड आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, तो इसमें मतलब डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है। तो हम इसको शुरुआत किससे करेंगे, शैल या विल से करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं है, यानी कि आई, आई के साथ क्या रहेगा शैल, तो इसमें से क्या आएगा शैल। उसके बाद अपनी सब्जेक्ट क्या है आई, फिर क्या है बी, शैल आई बी। उसके बाद में क्या है मैन वर्ब की फर्स्ट में एंजी, मैन वर्ब क्या है यहाँ पर जाने की है, तो क्या हो जाएगा गोइंग, शैल आई बी गोइंग टू मार्केट, मार्केट वैसे मार्केट टुमारो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब ले लो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लो, तो कुछ नहीं है, शैल के साथ में यहाँ पे क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा, जो भी शैल या विल आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार उसमें उसके साथ में यहाँ पर शुरू में क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा शैल नॉट हो जाएगा, शैल नॉट आई बी गोइंग टू मार्केट, मार्केट टुमारो, क्या मैं कल बाजार नहीं जा रहा हूंगा, क्या मैं कल बाजार नहीं जा रहा हूंगा। तो इस प्रकार से ये जो इसमें आप सिंपल सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन आपको वोकैबुलरी आपके पास में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपको जो वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के ये सेंटेंस बनाना आपका बिल्कुल इजी है। एक बार आपको फॉर्मेट क्लियर हो गया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ही बनेंगे आपके सेंटेंसेस, इसमें मेरी या आपकी इसमें कोई अलग से चीजें नहीं चलेगी। जैसा हमारा फॉर्मेट है, जैसा हमारा पैटर्न है सेंटेंस मेकिंग का, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जिस प्रकार से बनाना है हमें, वो उसी प्रकार से बनेगा। बस आपको जो है वर्ब आपको याद होनी चाहिए, मैन वर्ब आपको पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का तो आपको पता ही है किसमें ये लगेगी, लेकिन मैन वर्ब की आपको पता होनी चाहिए, मैन वर्ब इसके अंदर कौन सी है। और मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्ब की क्या होती है, बिल्कुल लास्ट में होती है, तो जो मैन वर्ब है उसका इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं, जैसे जाने को क्या बोलते हैं गो बोलते हैं, आने को क्या बोलते हैं कम बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं ईट बोलते हैं, तो ये जो वर्ब है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर आपका सेंटेंस बनाना कैसा है बहुत ही इजी है। तो आई होप आपको ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसको करेंगे कंप्लीट। और ये इसके आप रोज के रोज एक काम कर सकते हैं कि 2, 4, 5, 10 सेंटेंसेस बना सकते। वैसे तो मैं भी आपको होमवर्क के रूप में छोटे छोटे पैराग्राफ देता हूँ बनाने के लिए, जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं उन्हीं में से ही सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं बनाने के लिए, तो आप उनको बनाने की ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, और नहीं आता है आपको बनाना तो आप जो है उसमें आप स्कूल में टाइम निकाल करके आ सकते हैं और थोड़ी बहुत देर के लिए, और वहां पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।